नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। अब सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या होता है? एलसीआर सर्किट में सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें इस तरह से एडजस्टमेंट हो एलिमेंट्स की, उनकी वैल्यूज की, फ्रीक्वेंसी की, कि जो सर्किट है अलाउज मैक्सिमम करंट। सर्किट क्या करे बेटा? मैक्सिमम करंट वी कैन से इन एन एलसीआर सर्किट रेजोनेंस कैन ओनली टेक प्लेस व्हेन द सर्किट अलाउज द मैक्सिमम करंट फ्लो। नाउ व्हेन द करंट विल बी मैक्सिमम, वी नो द इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स इक्वल्स टू। अब हम चाहते हैं कि करंट मैक्सिमम हो फॉर आर टू बी मैक्सिमम। अब हम चाहते हैं कि आई क्या हो मैक्सिमम, तो जेड को क्या होना पड़ेगा? जेड को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम। जेड क्या था? फॉर मैक्सिमम करंट जेड शुड बी, रेजिस्टेंस शुड बी, जेड इज द इंपीडेंस, इंपीडेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट, जेड शुड बी मिनिमम। इज इट ओके बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी फॉर मैक्सिमम। For I to be maximum, the Z should be minimum. अब Z को minimum करना है। कैसे करेंगे? अब ध्यान दें। XL किसके equal होता था? XL हमने पढ़ा है। Omega equal to 2 pi mu n। और XC क्या होता है? XC क्या होता है? 1 by omega C और 1 by 2 pi mu C। अब चेक करो कि अगर मान लो मैंने जो frequency, जो source लगाया है, एसी सोर्स लगा है, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो एक्सएल क्या होगा? वेरी लार्ज। एंड एक्ससी क्या होगा? वेरी 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 स्मॉल, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, एक्सएल इज वेरी लार्ज एंड एक्ससी इज वेरी स्मॉल, एंड व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी को कम किया, ये क्या करेगा? ये नीचे आएगा और ये क्या करेगा? ये ऊपर आएगा। एंड एट वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एट न्यू इक्वल टू न्यू आर, न्यू इक्वल टू एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड न्यू आर, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? दोनों देखो, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी तो एक्सएल बहुत ज्यादा, एक्ससी एक्ससी बहुत कम, ठीक है? फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम है तो ये बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत कम, तो एट वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बोथ विल बिकम इक्वल। वो फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है बेटा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। वही निकालने जा रहे हैं कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी विच ड्राइव्स अ सर्किट, विच ड्राइव्स द एलसीआर सर्किट इन रेजोनेंस। तो एट न्यू इक्वल टू न्यू आर एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्ससी। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्ससी क्या हो जाते हैं? इक्वल। अब एक्सएल क्या होता है? एक्सएल होता है ओमेगा इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। तो इसके नीचे हम लोग ओमेगा आर लगा सकते हैं बेटा, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसे कह सकते हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एलसी, एंड व्हाट इज ओमेगा आर? 1 बाय रूट एलसी, राइट? नाउ ओमेगा आर कैन बी रिटन एज 2 पाई न्यू आर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी ठीक। नाउ फ्रीक्वेंसी का 2 पाई न्यू आर इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एलसी, एंड व्हाट इज न्यू आर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एलसी। राइट, एक्चुअली दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द नेचुरल, मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस इज द नेचुरल frequency of LCR circuit, ठीक है? और यू कैन से LC circuit, LCR भी हटा दो क्योंकि R तो आया ही इसमें। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LC circuit, इसका ये मीनिंग हुआ कि when न्यू इक्वल टू न्यू R, मतलब क्या हुआ कि when the external source frequency becomes द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जब जो एक्सटर्नल सोर्स लगाया बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? सोर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक?
अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट हो गई, देन द जेड विल बी देन जेड विल बी चेक हो गया जेड को न्यू इक्वल टू न्यू आर पे क्या हुआ था, एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया था, तो जेड क्या हो जाएगा बेटा, जेड क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस जीरो एक्सएल इक्वल टू एक्सी राइट, तो जेड क्या आया आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and it is the minimum value, it is the minimum value of the cell impedance. अगर ये minimum value है तो current क्या हो गया बेटा, maximum. current क्या हो गया, maximum. तो आपने क्या सीखा, तो किस frequency पे जाके LCR circuit resonance attain करेगा, अगर जो external source हमने apply किया है उसकी frequency किसकी frequency के equal हो, इसकी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसीआर सर्किट, मतलब अगर मैं मेरे पास एल गिवन है सी गिवन है तो मैं छड़ से क्या करूंगा, न्यू आर को निकालूंगा, ठीक है, एल गिवन है लेट्स से 1 हेनरी, सी इज 5 माइक्रोफैरड, आप यहां रखो न्यू आर निकालो, ये न्यू आर क्या होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट है ना, इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को अगर मैं सोर्स की फ्रीक्वेंसी में बदल दूं, मतलब जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो इसके इक्वल कर दूं, तो क्या होगा, जो सर्किट है वो रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा मतलब जेड क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम, एंड करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, आई विल बी ई बाय जेड और ई बाय आर एंड दिस विल बी मैक्सिमम, जेड नाउ जेड इज मिनिमम, it means the current will be maximum, very very important, ठीक है, तो इसका हम graphically भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है competition as well as on the CBSE exams में, ये topic बहुत important है, तो please आप इसे अच्छे से देखेंगे, ठीक है, video को देखने का तरीका क्या है, मेरा first आप जो video है first time when you are watching first time तो इसे सिंपल मोड में देखो, एंड सेकंड टाइम यू कैन मेक इट फास्ट, ठीक है, ताकि आप जल्दी से इसे देख जाओ कॉन्सेप्ट को समझो, अच्छा नाउ आपने क्या सीखा, व्हेन न्यू इक्वल टू न्यू आर सोर्स, दिस इज कॉल्ड सोर्स फ्रीक्वेंसी, सोर्स फ्रीक्वेंसी, व्हेन सोर्स फ्रीक्वेंसी बिकम नेचुरल फ्रीक्वेंसी व्हिच इज क्या फॉर्मूला आया था हमारा 1 by 2 by root LC, अगर ये इक्वल हो गए तो क्या होगा, जो सर्किट है वो रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस में जाने से क्या मतलब है कि Z क्या हो गया R मिनिमम हो गया और करंट क्या हो गया, करंट इज मैक्सिमम, ये सब होना कब है, व्हेन इट टुक प्लेस, ये कब होना है, कौन सी कंडीशन में होना है, व्हेन XL is equal to XC. कब होना है बेटा? When XL equal to XC. ठीक है? Now we plot a graph. Variation of I with nu. ठीक? Very important graph. Very very important. Nu I and this will be like this. ठीक, तो ये जो जहां पे जाके करंट क्या हो रहा है बेटा, मैक्सिमम आर मैक्सिमम, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड न्यू आर, और यू कैन से ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, तो ये याद रखना बेटा, बहुत बढ़िया, बाकी और चीजें थी इसमें बताने वाले दैट आर नॉट इन आवर सिलेबस, तो अगर टाइम लगेगा तो जरूर डिस्कस करेंगे हम लोग, इफ आई प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन जेड एंड न्यू, तो जेड और न्यू में कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, ठीक है, चेक करो, तो क्या होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, जेड क्या करेगा, जेड कम होता जाएगा, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, आर जीरो नहीं है, याद रखना है सर्किट में हमेशा आर रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, इवन आपने सिर्फ एल सी
सी सर्किट भी यूज किया तो एल जो है वो प्योरली इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टर नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ, क्योंकि वायर है, इंडक्टर किससे बनाओगे, वायर से, तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा रहेगा, तो आर के नॉट बी जीरो। तो जेड की मिनिमम वैल्यू क्या है, आर, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो टू सम वैल्यू, करंट इंक्रीजेज, द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, राइट। नाउ एट न्यू इक्वल टू न्यू आर, करंट बिकम्स मैक्सिमम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड, जेड विल बी आर मिनिमम, और उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी को फिर से बढ़ाया तो रेजोनेंस खत्म, है ना, करंट की वैल्यू डिक्रीज आनी शुरू हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया। बोथ ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।